Swayam Prabhat, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार ये जो विषय हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये विषय है प्रशासनिक विधि तो प्रशासनिक विधि की चर्चा होगी प्रशासनिक विधि को दस मॉड्यूल में हमने डिवाइड किया है और आउट ऑफ टेन हम लोग आठवें लेक्चर पे अभी हैं तो सात लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है तो ये जो आठवां लेक्चर है क्या है इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा इसके पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बता दूँ तो मेरा संक्षिप्त परिचय है मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है मैं आसाम न्यायिक सेवा परीक्षा को पास करते हुए कुछ समय तक न्यायिक अधिकारी भी था और मेरा बारह तेरह साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है ये मेरा संक्षिप्त परिचय है आपके साथ अब जो विषय है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विषय का नाम है प्रशासनिक विधि प्रशासनिक विधि में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोगों ने दस मॉड्यूल डिवाइड किया हुआ है दस में से सात मॉड्यूल पर चर्चा हो चुकी है तो जो हम लोगों ने अभी तक किया है थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं क्या हम लोगों ने किया है सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था सब्जेक्ट का और इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि भाई प्रशासनिक विधि क्या है इसकी परिभाषा क्या है इसका क्षेत्र विस्तार क्या है ये किन लोगों पर लागू होता है प्रशासनिक अधिकारियों को कैसा अधिकार दायित्व तो अधिरोपित करता है और इनके ऊपर निर्बंधन क्या है तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था अगर ये किसी के विधिक अधिकारों का हनन करते हैं तो उसको उपचार क्या है तो ये सब हम लोगों ने देखा था प्रशासनिक विधि के इंट्रोडक्शन के मामले में इसके बाद दूसरे मॉड्यूल में हम लोगों ने विधि के शासन की चर्चा किया था कि विधि के शासन से देश गवर्न होगा न कि व्यक्ति के शासन से इसके बाद हम लोगों ने शक्ति पृथककरण के सिद्धांत को देखा था कि शक्तियाँ अलग अलग होंगी एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियाँ समाहित नहीं होंगी फिर एक मॉड्यूल था हमारे पास प्रत्यायोजित विधायन का जिसमें हम देखते हैं कि नहीं विधायन कौन करेगा जनरली विधायिका करेगी लेकिन कभी कभी कार्यपालिका भी करेगी अंडर कंट्रोल आप विधायिका एंड जुडिशरी तो ऐसे करके हम लोगों ने प्रत्यायोजित विधायन को भी देखा था उसके बाद हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को देखा था जो 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 प्रशासनिक विधि का बहुत कार्डियल प्रिंसिपल है जिसको हम रूल अगेंस्ट बायस के नाम से जानते हैं जिसको हम हेयरिंग के रूल के नाम से जानते हैं आरडी अल्ट्रम पार्टे में नेमो इन इनकाजाश हुआ इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स हैं तो हम लोगों ने इसको देखा था इसके बाद हम लोग प्रशासनिक अधिकरण की बात देखे थे और अधिकरणों में हम लोगों ने देखा था कि अधिकरण का क्या काम है न्यायालय से कैसे भिन्न है और ये कैसे ये नेचुरल जस्टिस से बाध्य है तो यह सारी बातें हम लोगों ने देखा हुआ था अब जो ये मॉड्यूल है जिसमें हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आप इस स्क्रीन पर देखें इस मॉड्यूल आप नंबर एट देखिए विषय एट न्यायिक तथा अन्य उपचार ये विषय है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यायिक तथा अन्य उपचार देखिए इसमें दो बातें अगर टाइटल को आप ध्यान से देखेंगे तो एक है आपके पास जुडिशियल रेमेडी जुडिशियल रेमेडीज और दूसरा है अदर रेमेडीज अदर रेमेडीज ध्यान दीजिए तो एक तो न्यायिक उपचार है और एक अन्य उपचार है ठीक है तो इसको हम लोग दो भाग में देखेंगे जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल uh, कोर्ट्स में आपको क्या रेमेडी है अगर आपका लीगल राइट right प्रभावित हो जाता है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में क्या रेमेडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अलावा जो साधारण न्यायालय आपके पास उपलब्ध हैं जो स्टेच्यूटरी प्रिंसिपल्स हैं उसमें कौन आपके पास उपचार उपलब्ध हैं क्योंकि एक बड़ा सेलिब्रेटेड प्रिंसिपल है कि राइट विदाउट रेमेडी इज मीनिंगलेस तो रेमेडी जरूर होना चाहिए उपचारात्मक अधिकार होना चाहिए आपके पास अगर आपके पास अधिकार है लेकिन उसका उपचार नहीं है जिसको हम बोलते हैं यू बी जस ई बी रिमीडियम ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी मैगजिम चलती है आर्ट्स में अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो यू बी जस ई बी रिमीडियम वेयर देर इज राइट देयर मस्ट बी रेमेडी तो राइट है तो रेमेडी है और रेमेडी अगर नहीं है केवल राइट है तो फिर वो राइट मीनिंगलेस है क्योंकि राइट तो आप क्लेम करेंगे लेकिन रेमेडी उसके लिए आपके पास नहीं होगी तो ये चैप्टर लॉ का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेमेडियल प्रिंसिपल की बात करता है कि अगर आपकी राइट को प्रभावित कर दिया गया किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा जिसे आप एग्रीव फील कर रहे हैं तो आप रेमेडी अवेल कर सकते हैं और कौन कौन सी रेमेडी है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडी बताई गई है कुछ ऑर्डिनरी लेजिसलेशन में रेमेडी बताई गई है तो उन सारी चीजों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे तो रेमेडियल चैप्टर है एक तरीके से यू बी जस्टी रेमेडियम ठीक है तो अब इसमें दूसरे स्लाइड पर थोड़ा सा आप आए देखिए यह संवैधानिक उपचार की बात है और तीसरे स्लाइड में है हर संवैधानिक उपचारों की एक एक व्याख्या और लास्ट में है अन्य उपचार तो संवैधानिक उपचार की जब आप बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट इशू हो सकती है ध्यान दीजिए जैसे मान लीजिए हमारा फंडामेंटल राइट right प्रभावित हो गया या 226 में आप देखेंगे वो लीगल राइट right की भी बात है अगर आर्टिकल थर्टी को अगर टू के यहाँ आप कंपेयर करेंगे आर्टिकल थर्टी को 226 के अगर से अगर कंपेयर करेंगे आप तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क आपको दिखेगा क्योंकि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के रिट जोरिस्टिक्शन की बात करती है यह कहती है कि अगर किसी का मूल अधिकार डिस्टर्ब हो गया प्रभावित हो गया किसके द्वारा किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा या राज्य के द्वारा अंडर आर्टिकल ट्वेल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और वो बंदा अपने आप को अग्रीव फील कर रहा है तो वो क्या कर सकता है वो हाई कोर्ट में रिट जोरिस्टिक्शन में जा सकता है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट तो आर्टिकल टू में फंडामेंटल राइट के लिए भी जा सकते हैं और एक और बात है उसमें ट को, तो right, तो को रिट जुरशन प्रोवाइड किया गया है आप जा सकते हैं लेकिन मूल अधिकार और, और कोई विधि में और कोई अगर अधिकार प्रभावित हुआ है उसके लिए भी जा सकते हैं अगर 32 में आप देखेंगे तो 32 में सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है वो क्या है सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए ही रिट इशू कर सकती है बस एनी अदर रेमेडी वहाँ आपको नहीं दिखेगा इसका मतलब जहाँ तक सब्जेक्ट मैटर का सवाल है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता सीमित है और हाई कोर्ट की अधिकारिता वाइड है हालांकि हाई कोर्ट छोटी कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट बड़ी कोर्ट है टेरिटोरियली स्पीकिंग लेकिन ऐसे अगर जुरिस्डिक्शन के हिसाब से देखेंगे रिट के मामले में तो रिट के मामले में हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ज्यादा है क्योंकि हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट right के लिए भी और किसी परपज के लिए भी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास सीमित शक्तियां हैं और सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट इशू कर सकती है तो ये दोनों में बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस है दूसरा भी एक डिफरेंस है अगर आप देखेंगे टू में जब आप जाएंगे तो केवल स्टेट के खिलाफ ही रिट इश्यू होगी ऐसी बात नहीं है

विधायिका स्टेट है चाहे वो यूनियन की चाहे स्टेट की सारी कार्यपालिका स्टेट है चाहे स्टेट की चाहे यूनियन की ऑल लोकल अथॉरिटीज और स्टेट एंड ऑल अदर अथॉरिटीज आर स्टेट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है तो राज्य की बड़ी बृहद परिभाषा दी गई है और उसमें आर डी सेट्टी का जजमेंट अगर आप देखेंगे जिसमें इंस्ट्रूमेंटेलिटी टेस्ट ले डाउन किया गया तो उसमें ये भी लिखा गया कि भाई अदर अथॉरिटी का क्या मतलब तो अदर अथॉरिटी में वो सारे निकाय आ जाएंगे जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटेलिटी हैं कभी कभी प्राइवेट बंदा भी जो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करता है उसको भी स्टेट की कैटेगरी में लेने का प्रयास किया जाता है अगर वह व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित कर दिया तो इस तरीके से स्टेट की बड़ी वाइड डेफिनेशन है थर्टी में सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल स्टेट के खिलाफ जा सकती है टू में हाई कोर्ट को बहुत वाइड पावर है जिसमें स्टेट के खिलाफ या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी इशू कर सकती है क्योंकि इसमें सिविल राइट right का भी इंप्लीमेंटेशन होता है और थर्टी टू में केवल फंडामेंटल राइट का इंप्लीमेंटेशन होता है तो ये सारे डिफरेंसेस हैं लेकिन टेरिटोरी के मामले में अगर देखेंगे टेरिटरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का वाइड जुरिस्डिक्शन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी रेट इशू कर सकती है और हाई कोर्ट अपने लिमिटेड जुरिस्डिक्शन में अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की आप बात करेंगे तो केवल और केवल यूपी के टेरिटरी में ही रेट इशू हो सकती है उससे ज्यादा नहीं हो सकती तो कहने का मतलब यह है कि टेरिटरी के मामले में हाईकोर्ट का जुरिस्टिक्शन कम है लेकिन अगर सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है रिट के मामले में तो ये थर्टी और टू दोनों रेमेडी प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अब इसमें आप देखेंगे 32 में अगर आप जाएंगे 32 में चार क्लाजे जाएं क्लाज वन क्लाज टू क्लाज थ्री क्लाज फोर क्लाज वन बताता है अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग क्लाज ध्यान दीजिए अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग लॉन्च कर सकती है और अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकती है 32 2 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है कैसी रिट रिट इन दी नेचर उसमें गिनाया गया है। कौन -कौन रिट फंडामेंटल तो राइट right. इन हर पांचों रिट के एक एक रिट की हम लोग अलग अलग व्याख्या में करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कब है इशू हो सकता है कब मैंडमस इशू हो सकता है एटसेट्रा एंड एटसेट्रा पांचों की थर्टी क्लास टू में जाएंगे तो बड़ा वाइड जो है सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट को केवल पांच ही रिट इशू करेगी ऐसी बात नहीं है रिट इन दी नेचर ऑफ ये जो सफिक्स लगाया, प्रीफिक्स लगाया गया है इसमें रिट इन दी नेचर ऑफ हैस कार्पस मैंडमस तो रिट इन दी नेचर ऑफ का मतलब ये पाँच तो है। इन पाँच अलावा और भी रिट इशू किया जा सकता है और उसका नंबर कितना होगा इनफिनिटम तो सुप्रीम कोर्ट में इशू इनफिनिटम रिट्स इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड सिमिलरली कोर्ट अगर टू ट्वेंटी सिक्स भी देखेंगे उसमें भी यही है रिट इन नेचर ऑफ एव स्पैंडमस तो कोर्ट के पास भी पावर है वो पांच से अलावा भी रिट इश्यू कर सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल तो और थर्टी टू थ्री में जब आप जाएंगे थर्टी टू थ्री में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एनी अदर पर्पज़ के लिए फंडामेंटल राइट right के अलावा भी एनी अदर पर्पज़ के लिए भी रिट इशू कर सकती है अगर पार्लियामेंट मे बाई लाई एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड तो अगर पार्लियामेंट उसको एम्पावर कर देगी तो वो फंडामेंटल राइट right के अलावा भी इशू कर सकती है अगर पार्लियामेंट नहीं एम्पावर करेगी तो नहीं कर सकती है और थर्टी टू फोर बताता है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या लेना देना है और इसका एक्सक्लूजन कब हो जाएगा तो ये आपका थर्टी टू की बात है जिसमें रिट इशू करी जाती है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट तो हम लोगों ने टू ट्वेंटी सिक्स और 32 को एक कंपेरेटिव हम लोगों ने एक एनालिसिस किया यहाँ पे एक डिस्कशन किया और हम लोगों ने यह भी देखा कि कहीं कहीं हाई कोर्ट का जो जोरिस्टिक्शन ज़्यादा है इस मामले में और सुप्रीम कोर्ट का कम है लेकिन टेरिटरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा है और हाई कोर्ट का कम है लेकिन कुल मिलाकर के ये दोनों रेमेडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करती हैं किस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट होम अगेंस्ट स्टेट अंडर आर्टिकल ट्वेल्व पर्टिकुलरली फॉर आवर पर्पज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ तो ये हम लोगों ने देखा टू और थर्टी तो संवैधानिक उपचार है ये। अब देखिए संवैधानिक उपचार में कुछ और बातें हैं थोड़ा सा हम लोग और लें फिर एक एक रिट पे हम लोग आते हैं देखिए है। कुछ और बातें इसमें क्या हैं कुछ और बातें हैं कि जब इशू करने का कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है और वो अगर सारे पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपके रिट पेटीशन को कोर्ट इनकार भी कर सकती है मना भी कर सकती है कौन कौन ऐसे ग्राउंड हैं जिसके आधार पर आपके रिट पेटीशन कोर्ट इनकार कर सकती है 226 में चाहे 32 में इसके तमाम आधार हैं जैसे एक एक आधार मैं यहां पे आपको बताऊं पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है ये है डिले लेचेज बोलते हैं इसको लेचेज बिलंब बोलते हैं विलंब विलंब मान लीजिए आपका राइट प्रभावित हो गया आज और आप 10 साल के बाद कोर्ट में जा रहे हैं अपने राइट को इंप्लीमेंट कराने के लिए तो ये बड़ा लैचेज है बड़ा डिले है बहुत विलंब है अतिबिलंब है और बहुत ज्यादा विलंब आपके रिट पिटीशन को मेंटेनेबिलिटी पे क्वेश्चन हो सकता है कोर्ट आपको डिनाई कर सकती है क्योंकि आपको समय से आना है न्यायालय में अगर आप बहुत ज्यादा आप अपने राइट के लिए बहुत उत्सुक नहीं है आपको अपने राइट के लिए बहुत ज्यादा जगे हुए नहीं है विजिलेंट नहीं है तो आइडोलेंट आदमी को राइट नहीं मिलता है आईड मिलता है विजिलेंट आदमी को तो यू शुड बी विजिलेंट अबाउट योर राइट्स ये लीगल मैक्जिम्स है तो आप विजिलेंट नहीं है इसलिए लग रहा है कि आप जो है बड़े इंटरेस्टेड नहीं है और जब इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर कोर्ट क्यों उसको इंप्लीमेंट करेगी तो इसलिए विलंब एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जिसके आधार पे आपके रिट पिटीशन को खारिज किया जा सकता है अब विलंब में भी कई बातें हैं जैसे आपको बताऊं मैं कि कुछ ऐसी केसेस आपको दिखेंगी जिसमें कि 14 साल के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने रिट को मेंटेन किया है जैसे रूदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बहुत लीडिंग केस है वो 14 साल तक जेल में बंद था उसको नहीं पता था कि वो निर्दोष है और चौदह साल बाद किस, किसी किसी तरीके से पता चला कि ये तो निर्दोष रूप में जेल में बंद है तो चौदह साल के बाद भी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन किया और उसको कंपनसेशन दिलवाया तो चौदह साल भी डीले नहीं था कहने का मतलब ये डीले का कोई ड्यूरेशन से लेना देना नहीं है डीले का लेना देना इसलिए है कि एक साल बी हो सकता है और चौदह साल बी नहीं हो सकता है Taking into consideration the fact and situation individual cases. तो का का मतलब बिलंग, बिलंग ये fact और situation पे करेगा. लेकिन अति को खारिज करवाने का आधार हो सकता है point number one. अब दूसरे पे दूसरा क्या आधार है जिसपे रिट की जा सकती है दूसरा है मलाफाइड इंटेंशन दुर्भावपूर्ण मलाफाइड ध्यान दीजिए मलाफाइड इंटेंशन में अगर आपने रिट इशू किया हुआ है, आपका राइट प्रभावित नहीं हुआ है लेकिन आप जो है ऐसा कलर चढ़ा रहे हैं जैसे आपका राइट प्रभावित हुआ है और उस बंदे के खिलाफ आप रिट इशू करते हैं जिसको आप परेशान करना चाहते हैं इसलिए आपने रिट इशू किया है और कोर्ट को पता चल गया कि नहीं ये तो मालाफाइड ग्राउंड पे रिट पिटीशन फाइल हुई है तो मालाफाइड अप्रोप्रिएट ग्राउंड है जिस पे आपके रिट पिटीशन को खारिज कर दिया जाएगा ये दूसरा पॉइंट है तीसरे पॉइंट पे देखिए तीसरा पॉइंट है इनफ्रक्चुअस याचिका फलहीन इसको बोलते हैं इनफ्रक्चुअस इनफ्रक्चुअस का मतलब जिस पटीशन से कोई फ्रूट निकलने की संभावना नहीं है जिसमें कोई सब्सटेंशियल राइट right का वायलेशन नहीं हुआ है जिसमें मेंटेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो इनफ्रक्चुअस है इन देंस दैट कि उससे कोई रिजल्ट आने की संभावना नहीं है अगर इस तरीके का पिटीशन है जिसको हम फेबरस वैक्सीसियस अनशन बोलते हैं अगर इस तरीके का पिटीशन है तो ये भी फिट केस है वेरी इन योर रिट पिटीशन इज लाइवल टू बी रिजेक्टेड तो ये तीसरा ग्राउंड है

टू ट्वेंटी सिक्स में आपका खारिज हो गया पिटीशन कोर्ट कहती है कि नहीं आपका तो कोई फंडामेंटल राइट right का केस नहीं आप यहाँ से चले जाइए और इसके बाद उसी मामले को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये प्रांग न्याय के आधार पर रेस जुडिकेटा के आधार पर बिकॉज सेम पार्टी सेम मैटर सेम कोर्ट मैटर हैज बिन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड अब वही पार्टी वही मैटर वही कोर्ट फिर से अगर आप लेके जाएंगे तो बार्ड बाई प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट सेक्शन एलेवन सी सी में वर्णित है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की धारा 11 में रेस जुडिकेटा की व्यवस्था है तो रेस जुडिकेटा के आधार पे भी आपका रिट पिटिशन खारिज हो सकता है तो ये चौथा ग्राउंड है इसी तरीके से आप देखेंगे पांचवा ग्राउंड क्या है पांचवा है अल्टरनेटिव रेमेडीज अल्टरनेटिव रेमेडीज का कॉन्सेप्ट है आपके पास वैकल्पिक उपचार उपलब्ध था तो आप रिट के लिए क्यों आ रहे हैं जब आपके पास ऑलरेडी अल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल हैं जैसे मान लीजिए आप रिट में तब जाएंगे जब केवल फंडामेंटल राइट right का मामला है क्योंकि रिट में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को डिस्टर्ब करना पड़ेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे भी बहुत ज्यादा काम है क्योंकि पूरी कंट्री में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और हर स्टेट में एक ही हाई कोर्ट है अगर आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल हैं जिनको लेकर के आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी रेमेडी ले सकते हैं तो क्यों नहीं आप पहले वैकल्पिक उपचार की व्यवस्था करते हैं आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्यों चले जाते हैं तो ये भी एक है है कि अगर भैकल, भैकल अगर उपचार अल्टरनेटिव रेमेडी आपके पास उपलब्ध तो आप पेटीशन में नहीं आएंगे और अगर आएंगे तो आपका भी हैं लेकिन यहां पर आपको बहुत ही प्रोमिनेट काज है ये जिसके आधार पे आपका रिट पिटिशन खारिज हो सकता है तो यहां संवैधानिक उपचार की आप बात करें आप ये जाने कि ये रेमेडी प्रोवाइड की गई है ऑन दिस ग्राउंड की यूबी जस् सी बी रेमेडियम और संविधान के बड़े प्रामिनेंट पार्ट में जहाँ की फंडामेंटल राइट है वहाँ पे 32 और 226 ट्वेंटी सिक्स जहाँ पार्स है हाईकोर्ट के वहाँ पे 226 की व्यवस्था है लेकिन एट द सेम टाइम ये अत्यंतिक नहीं है एप्सलूट नहीं है इसमें भी अगर ये सारे ग्राउंड होंगे तो आपकी रिट पिटीशन खारिज हो जाएगी ये चीज़ हम लोगों ने समझने का प्रयास किया तो रिट रेमेडियल रिट और रेमेडियल रिट का खारिज कर दिया जाना ये दोनों हम लोगों ने देखा अब आगे वाली स्लाइड पे चलें नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा हम लोग करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल रिट्स की बात अब करेंगे चलिए हम लोगों ने ये तो रिट एज होल हम लोग समझ लिया रिट इन दी नेचर ऑफ कार्पस मैंडमस प्रोहिबिशन एटसेट्रा अब एक एक रिट की हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए पांच रिट की बात है कॉन्स्टिट्यूशन में थर्टी टू पढ़े टू ट्वेंटी सिक्स पढ़े दोनों जगह पांच रिट की व्यवस्था है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट स्टेट अब ये पांचों रिट क्या क्या है और पांचों रिट में क्या व्यवस्था है इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको बोलते हैं रिट ऑफ हैवियस कार्पस रिट ऑफ हैवियस कार्पस ठीक है ना बंदी प्रत्यक्षीकरण की थी याचिका की रिट अब रिट ऑफ हैवियस कार्पस क्या है इलीगली डिटेंड आदमी है ध्यान दीजिए इलीगल डिटेंशन उसका हुआ है किसी भी व्यक्ति का अगर इलीगल डिटेंशन हो गया तो उसको छुड़वाना क्योंकि इ डिटेंशन नहीं करना है राज्य को अगर राज्य का प्राधिकारी उसको इ लीगली डिटेंड कर लेता है या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी उसको इ लीगली डिटेंड कर लेता है तो फिर आप बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट पिटीशन में जाएंगे अगर प्राइवेट व्यक्ति ने उसको अगर इ लीगली डिटेंड किया है तो आपके पास स्टेच्यूटरी रेमेडीज भी हैं जिसमें अगर क्रिमिनल लॉ में जाएंगे तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा अगर आप लॉफ टार्ड्स में जाएंगे तो हम इसको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फॉल्स इंप्रीजनमेंट और उसी तरीके से जब आप इसमें संविधान की बात करेंगे तो यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात आ जाती है और यहाँ पे आप रिट पेटिशन में आ सकते हैं रिट ऑफ हेबियस कार्पस में तो रिट ऑफ हेबियस कार्पस किसके लिए इशू होता है उस बॉडी को छुड़वाने के लिए जो इन लीगली है लीगल डिटेंशन चलेगा अगर आपने कोई अपराध किया और आपको हो गया दस साल का और आप जेल में बंद हो गए हैं तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट नहीं जारी होगी हैवियस कार्पस की नहीं जारी होगी की रिट इसके लिए जारी होगी हो जिसको गलत रूप में गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था तो आप रिट ऑफ है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अब रिट ऑफ हेवियस कार्पस में आप देखें इसमें और कई बातें हैं जैसे इसमें मैं कुछ इसके पॉइंट को लिखूंगा यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन पे तो ये कहते हैं इसमें कि रिट ऑफ हैवियस कार्पस में याचिका कौन दे सकता है हु में अप्लाई लोकस स्टैंडाई इसको बोलते हैं हु में अप्लाई ध्यान दीजिए ये पहला पॉइंट है हु में अप्लाई फॉर रिट ऑफ हैवियस कार्पस हैवियस कार्पस के लिए अप्लाई कौन करेगा तो देखिए इसमें दो बातें हैं पॉइंट नंबर वन इंटरेस्टेड पार्टी एंड पॉइंट नंबर सेकेंड आउटसाइडर आउटसाइडर ध्यान दीजिए इंटरेस्टेड पार्टी को तो करना ही है जिसका मूल अधिकार प्रभावित हो गया है वो तो रिट में जाएगा ही जाएगा क्योंकि मेरा अधिकार प्रभावित हुआ है लेकिन चूंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका किसके लिए है जो ऑलरेडी इलीगली डिटेनड है तो मान लीजिए अगर वो बंदा ऑलरेडी इ लीगली डिटेन्ड है तो पिटिशन लेके कैसे जाएगा वो तो कहीं बंद है ना किसी जेल में इलीगली तो वो तो नहीं जा सकता तो यहां पे लोकस स्टेंडाई का जो रूल है कि हु में अप्लाई इसको रिलैक्स करता है कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें कहता है कि उसके भी आपसे उसके जो नियर डियर हैं जो उसके फ्रेंड हैं ब्लड रिलेटिव है उसका एडवोकेट है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका एजेंट है या उसका प्रिंसिपल है इसमें से कोई भी जा सकता है इस रिट पिटीशन में ताकि उसके बॉडी को छुड़वाया जाए जो इलीगली डिटेंड किया गया तो हु में अप्लाई का जो रूल है यहाँ पे रिट ऑफ में ये थोड़ा रिलैक्स है और इसमें वाइड है वो बंदा भी जा सकता है उस बंदे के अलावा उसके भी आपसे दूसरा भी जा सकता है तो ये एक पॉइंट है बंदी प्रत्यक्षीकरण में रिटायर फेबियस कार्पस में हु में अप्लाई अब दूसरा आप देखेंगे अगेंस्ट होम ध्यान दीजिए अगेंस्ट होम किसके विरुद्ध जा सकते हैं आप ये भी दूसरा क्वेश्चन है कि किसके विरुद्ध आप जा सकते हैं ध्यान दीजिए तो इसमें दो बातें हैं फिर अगर आप 32 में जाते हैं और 226 में जाते हैं दो बातें अगर 32 में जाते हैं आर्टिकल 32 में तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जो है अगेंस्ट स्टेट रिट इशू करती है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो 226 में इवन प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी आप जा सकते हैं तो अगेंस्ट होम बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका किसके अगेंस्ट जारी होगी जनरली स्टेट के अगेंस्ट लेकिन कभी कभी प्राइवेट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट इन केस ऑफ रेट ऑफ हैवियस है तो ये है हु में अप्लाई अगेंस्ट होम रिट में भी इशूड तीसरा पॉइंट देखिए आप थर्ड पॉइंट क्या है जारी करने की आवश्यक शर्तें क्या हैं वॉट आर दी एसेंशियल कंडीशंस आवश्यक शर्तें कौन कौन से कंडीशन हैं जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी होगी तो पॉइंट नंबर तीन में कई शर्त हैं इसमें जैसे पॉइंट नंबर वन वन कहता है कि डिटेंशन जो है प्राइमा फैसाई इल्लीगल होना चाहिए डिटेंशन जो है वो प्राइमा फेसाई इ होना चाहिए इसका मतलब प्राइमा फेसाई का क्या मतलब फेस रिकॉर्ड इट सीम्स टू बी इलीगल अब पता नहीं इलीगल है कि नहीं है लेकिन स्पीकिंग, अगर आप में उसको देखें तो आपको लगेगा कि मैटर तो तो ऐसा लग रहा है कि उसका जो डिटेंशन है वो प्राइमा फैसाई इलीगल है तो पॉली कंडीशन है डिटेंशन मस्ट प्राइमाई भी इन लीगल और अगर मान लीजिए तो क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका जारी होगी ना नहीं होगी क्योंकि आपने गलत काम किया

बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की जब आप सुनवाई करना जा रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में तो उस समय डिटेंशन होना चाहिए ऐसा नहीं है कि उस समय छोड़ दिए गए हैं आप जब छोड़ दिए गए हैं तो कैसे आप जाएंगे तो उस समय आपका डिटेंशन है कि नहीं है परमानेंट क्वेश्चन है तो यू आर स्टिल इन डिटेंशन एंड देन ओनली यू कैन क्लेम फॉर रिटियस कार्पस लेकिन अगर आपको छोड़ दिया गया ऑलरेडी और फिर आप रिटा कार्पस में जाते हैं तो आपकी रिट ऐसे भी खारिज हो जाएगी क्योंकि इस रिट का परवज ही क्या है उसको छोड़ाना और ऑलरेडी छूट चुका है तो आप उस समय निरोध में डिटेंशन में है कि नहीं है यह भी एक क्वेश्चन है पॉइंट नंबर सेकेंड पॉइंट नंबर थर्ड पर आइए तीसरा आवश्यक शर्त क्या है तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि इसमें दांडिक कार्यवाही का आरंभ निषेध नहीं है ध्यान दीजिए दांडिक कार्यवाही का आरंभ निषेध नहीं है जैसे मान लीजिए किसी दांडिक कार्यवाही में कोई क्रिमिनल एक्शन आपके खिलाफ चल रहा है और उसमें आकर के आपको गिरफ्तार कर लिया गया उस इन परसुएंस टू दैट क्रिमिनल एक्शन तो अब आप इसको नहीं कहेंगे कि नहीं ये इल्लीगल डिटेंशन है जैसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस करने आती है और दो दिन के लिए पुलिस रिमांड में ले लेती है या जुडिशियल कस्टडी में ले लेती है तो ये हो सकता है आप कल को निर्दोष हो जाए हो सकता है ऐसा लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए आपको लिया गया है तो इसको आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये तो इल्लीगल डिटेंशन है तो इसमें नहीं माना जाता है ठीक है इसके अलावा आप देखेंगे वैकल्पिक उपचार इसमें वैकल्पिक उपचार भी है चौथा वैकल्पिक उपचार का मतलब अल्टरनेटिव रेमेडीज अल्टरनेटिव रेमेडीज तो क्या आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण में तो आपको तभी जाना है 226 और 32 में जब आपका मूल अधिकार प्रभावित हुआ है तब आप जाएंगे लेकिन मान लीजिए अल्टरनेटिव रेमेडी है जैसे मान लीजिए फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए सिविल कोर्ट में आप जा सकते हैं क्योंकि अपला का विषय है सिविल राइट के वायलेशन का विषय है रांगफुल कन्फाइनमेंट का सवाल है मान लीजिए तीन सौ उनतालीस तीन सौ चालीस आप इंडियन पीनल कोड तो उसमें भी आप क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हैं तो उसके लिए क्रिमिनल कोर्ट में व्यवस्था है तो अल्टरनेटिव रेमेडीज अगर आपके पास उपलब्ध है तो फिर आप इसमें नहीं जाएंगे अल्टरनेटिव रेमेडीज अगर उपलब्ध नहीं है तब तो आप इसमें जाएंगे तो ये है रिट ऑफ हैवियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका कौन अप्लाई कर सकता है किसके खिलाफ इशू हो सकती है कब इशू हो सकती है क्या क्या शर्तें हैं कौन ऐसी शर्तें हैं जो सेटिस्फाई होना चाहिए और इसका रेस्ट जुडिकेटा से क्या लेना देना है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में रेस्ट जुडिकेटा नहीं लगता यह भी आपको बता दें बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रिंसिपल है क्योंकि एक ही व्यक्ति चार बार डिटेन हो सकता है और उसी व्यक्ति को छोड़वाने के लिए चार बार आप रेट में जा सकते हैं उसी कोर्ट में उसी व्यक्ति के खिलाफ से मामले में आप जा सकते हैं क्योंकि उसको केवल इलीगल डिटेंशन को छोड़वाना है तो रेट्स जो डिकेटा का प्रिंसिपल हर जगह लगता है लेकिन हैवियस कार्पस के रेट में ये नहीं लगता है तो ये था पहली रेट रेट ऑफ हैवियस कार्पस था आउट ऑफ फाइव रेट्स हम लोगों ने पहली को देखा रेट ऑफ हैवियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण की या chica alright हमको समझ में जो मैं समझ पा रहा हूं कि मैं आपको समझा पाया होगा थोड़ा कि रेट ऑफ हेवियस कार्पस क्या है अब दूसरी रीट पे बढ़ते हैं सेकंड रीट देखिए पांच रीट है हमारे पास दूसरी रीट पे आइए दूसरी स्लाइड पे देखिए परमादेश इसको बोलते हैं रेट ऑफ मैंडमस रेट ऑफ मैंडमस तो मैंडमस की रीट है ध्यान दीजिए रेट ऑफ मैंडमस अब मैंडमस के रीट में क्या है इसको परमादेश रिट बोलते हैं इसकी भी कई कई इसके कंडीशन है जैसे इसके अर्थ में जो पाले जाए क्या इसका परिभाषा है क्या इसका अर्थ रिट ऑफ मैंडमस का मतलब मैंडमस का मतलब होता है इसका अर्थ है टू कमांड टू कमांड ध्यान दीजिए कमांड कमांड का मतलब अगर आप जुर्सूडेंट में थोड़ा सा जाएंगे तो ऑस्टीन बोलता है इज दी कमांड ऑफ सावरिन बैक्ड बाई दीजिए कमांड का मतलब होता है परमादेश माने केवल आदेश नहीं परम आदेश बहुत बड़े आदेश को हम कमांड बोलते हैं तो ये रिट ऑफ मैंडमर्स जो है सार्ट ऑफ कमांड है और ये जो परम आदेश है ये बहुत बड़ा जो आदेश है कौन देता है ये न्यायपालिका देती है ये किसको देती है ये उस व्यक्ति को देती है जो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करता है पब्लिक फंक्शन पब्लिक ड्यूटी पब्लिक फंक्शन तो अगर वह लोक कर्तव्य का वाहक है और लोक कर्तव्यों को करने में वो विरत रहता है तो उसको परमादेश की रिट जारी की जा सकती है जिसको हम ऑफ मैंडमस बोलते हैं टू कमांड जुडिशरी उसको कमांड करेगी टू डू समथिंग आर एब्सटेन फ्राम डूइंग दोनों में से कुछ भी हो सकता है मान लीजिए जो काम उसको नहीं करना चाहिए वो कर रहा है तो उसको होगी रिट ऑफ मैंडमस नॉट टू डू समथिंग लेकिन वो काम जिसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है तब उसको जो कमांड जारी होगा टू डू समथिंग तो समिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है नॉट टू डू समथिंग और टू डू समथिंग तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि वो जो लोक प्राधिकारी है जिसको पब्लिक ड्यूटी असाइन कर दी गई है कानून के द्वारा क्या उसको कर रहा है कि करने से विरत रह रहा है तो अगर गलत रूप में कर रहा है तो स्टॉप किया जाएगा और करने से विरत रहेगा तो उसको करने के लिए कहा जाएगा तो इसको हम बोलते हैं रिट ऑफ मेंडमस uh, परमादेश की याचिका तो आपको समझ आया होगा इसका मतलब क्या है अब इसके शर्तों पे थोड़ा सा आते हैं और इसमें क्या पॉइंट है तो देखिए मैं इसमें लिख के आपको बताता हूँ परमादेश रिट में जारी करने की शर्तें क्या हैं व्हाट आर दी एसेंशियल कंडीशंस टू इशू द रिट ऑफ मेंडमस कौन कौन शर्तें हैं कई शर्त हैं इसमें देखिए पॉइंट नंबर वन पब्लिक ड्यूटी ध्यान दीजिए लोक कर्तव्य होना चाहिए पब्लिक ड्यूटी वो जो बंदा है ना जिसके खिलाफ रेट ऑफ मेंडमस में आप जा रहे हैं और जिसको कोर्ट रेट ऑफ मेंडमस इशू कर रही है कमांड इशू कर रही है वो निश्चित रूप से आदमी कैसा होना चाहिए उसके पास कोई ना कोई पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए लोक कर्तव्य का वाहक होना चाहिए अगर उसके पास कोई पब्लिक ड्यूटी है ही नहीं वो पब्लिक फंक्शनरी नहीं है वो प्राइवेट बंदा है तो प्राइवेट कर्तव्यों के पालन के लिए रिट ऑफ में नहीं जारी होगा रेट ऑफ केवल पब्लिक ड्यूटी के, के, के परफॉर्मेंस के लिए जारी होगा तो ये पॉली कंडीशन है कि क्या लोक वह लोक कर्तव्यों का वाहक है अगर इसका उत्तर सकारात्मक है तब आप रेट ऑफ मेंडमस में जा सकते हैं नहीं तो रेट ऑफ मैंडमस नहीं चलेगा तो पॉइंट नंबर वन दूसरी शर्त क्या है जो दूसरी शर्त है वो है आज्ञापक कर्तव्य मैंडेटरी ड्यूटी ये जो है मैंडेटरी ड्यूटी होगी एक तो पब्लिक ड्यूटी यह पब्लिक ड्यूटी डिस्क्रिशनरी नहीं होनी चाहिए ध्यान दीजिए मन करेगा तो करेगा मन करेगा नहीं करेगा अगर ऐसी पब्लिक ड्यूटी है रेट ऑफ मैंडमस जारी नहीं होगा लेकिन अगर यह पब्लिक ड्यूटी मैंडेटरी इन नेचर है जिसमें उसको करना ही करना है वो उसे विरत नहीं हो सकता और नहीं करता है तो परमादेश की रिट जारी हो जाएगी रिट ऑफ मैंडमस जारी हो जाएगी तो यह दूसरी शर्त है अब तीसरी शर्त पर आप आइए तीसरी शर्त क्या है तीसरी शर्त है कर्तव्य पालन को विवश करने का विधिक अधिकार होना चाहिए ध्यान दीजिए विधिक अधिकार लीगल राइट भी होना चाहिए आपको कि उसको कर्तव्य पालन को विवश करने के लिए हमारा लीगल राइट है जैसे मैं बेनिफिशियरी हूँ और वो सर्विस प्रोवाइडर है और चूँकि सर्विस वो गवर्नमेंट ने उसको दिया हुआ है और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के द्वारा उसके पास पब्लिक ड्यूटी इंपोज करती है जो मैंडेटरी इन नेचर है कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर की सेवा करेंगे और फिर वो सेवा नहीं करता है या जो भी गाइडलाइंस उसमें दी गई हैं उसका पालन नहीं करता है तो ये मेरा विधिक अधिकार हो जाता है कि उसके पब्लिक ड्यूटी को करने के लिए मैं उसको विवश कर दूँ तो उसमें मैं रिट ऑफ मैंडमस में, में जाऊँगा तो ये भी देखना है कि क्या उसके पब्लिक ड्यूटी को करने के लिए मैं विवश कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ अगर ये कंडीशन है इसका उत्तर भी अगर अफर्मेटिव में है तो फिर परमानेट देश मेंटेनेबल होगी नहीं तो मेंटेनेबल नहीं होगी इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है चौथा पालन की मांग और इनकार ध्यान दीजिए पालन का मांग और इनकार मांग भी होना चाहिए और इनकार भी होना चाहिए ध्यान दीजिए ऐसा नहीं है सीधे आप मैंडमस क्रेडिट में चले जाएंगे नहीं सीधे नहीं जाना है पहले आपको पब्लिक ऑफिसर के पास ही जाकर के एक याचिका देनी है कि सिंस यू आर दी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस और इसलिए आपको इस काम को करना है अगर वह उस काम को नहीं करता है फिर आप इनकार के मामले में जाएंगे लेकिन अगर वह उस काम को कर देता है तो फिर इनकार का कोई प्रश्न ही नहीं है तो क्वेश्चन है कि क्या वह आपने मांग किया और मांग करने के बाद क्या उसने इनकार किया अगर ये दोनों का उत्तर सकारात्मक में है तब रेट ऑफ मीन मैंडमस मेंटेनेबल होगी तो ये चौथी कंडीशन थी तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो होंगी तभी रेट ऑफ मैंडमस इशू किया जाएगा ठीक है तो ये हम लोगों ने देखा इसका अर्थ क्या है टू कमांड हम लोगों ने शर्तों को देखा कौन कौन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो रेट ऑफ मैंडमस में आप जाएंगे ये चार पांच कंडीशन हम लोगों ने देखा अब आगे आप बढ़िए इसके बाद और क्या है इसमें बात और बात इसमें है कि किसके विरुद्ध जारी की जाएगी ध्यान दीजिए किसके विरुद्ध अगेंस्ट होम अगेंस्ट होम जो हम लोगों ने रेट ऑफ है स्कार देखा था अगेंस्ट होम रेट ऑफ मैंडमस में भी शूड तो ध्यान दीजिए रेट ऑफ मैंडमस सरकार के अगेंस्ट अधीनस्थ न्यायालयों के अगेंस्ट अधिकरण के अगेंस्ट लोक प्राधिकारी के विरुद्ध निगम अथवा लोक कर्तव्य का निष्पादक करने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध इसको जारी किया जा सकता है तो इसमें सरकार भी है इसमें इन्फीरियर कोर्ट्स भी हैं इसमें ट्रिब्यूनल्स भी हैं इसमें निगम भी हैं और इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर पब्लिक ड्यूटी इंपोज करी गई है इन लोगों के खिलाफ रिट ऑफ मैंडमस जारी किया जा सकता है दूसरा है अगेंस्ट होम रिट ऑफ मैंडमस में नॉट बी इशूड ध्यान दीजिए ये तो हम लोगों ने देख लिया किसके खिलाफ इशू की जा सकती है अच्छा कैसे वो कैटेगरी कौन है जिसके खिलाफ इशू ही नहीं की जाएगी तो आप इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट में देखिए स किसके खिलाफ इशू नहीं होगी तो इसकी भी बड़ी लंबी लिस्ट है जैसे राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध उनके पद के शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के लिए रिट को जारी नहीं किया जा सकता गवर्नर एंड प्रेसिडेंट इनको इम्यूनिटी दे दी गई है कि अगर ये के के लिए जारी नहीं किया जाएगा या निकाय पर कोई सांविधिक या लोक कर्तव्य आरोपित नहीं किया गया है तो उसके विरुद्ध भी नहीं वह बंदा जो प्राइवेट बंदा है और उसके ऊपर कोई लोक ड्यूटी इंपोज नहीं करी पब्लिक ड्यूटी इंपोज नहीं करी लोक कर्तव्य नहीं है उसके खिलाफ तो फिर उसमें मैंडमस फिर नहीं जारी होगा और तीसरी कैटेगरी है इसमें थर्ड कैटेगरी है जिसके खिलाफ नई इशू होगी वो है उच्च न्यायालय या उसका न्यायाधीश न्यायिक हैसियत में अगर जब काम करता है हाई कोर्ट का जज जब जुडिशियल कैपेसिटी में काम करता है तो फिर उसके खिलाफ भी रिट ऑफ मैंडमस जारी नहीं की जाएगी तो ये हम लोगों ने देखा इसका अर्थ क्या है इसमें आवश्यक शर्तें क्या हैं किसके खिलाफ़ इशू होगी किसके खिलाफ़ इशू नहीं होगी तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखा एक इसमें बात है कि ये कब खारिज कर दी जाएगी कुछ खारिज करने की भी जब आप रेट ऑफ मैंडमस में, में जाएंगे मान लीजिए आपने बहुत विलंब कारित कर दिया बहुत डिले में गए हैं जो हम लोगों ने शुरू में भी देखा था तो अटमोस्ट डिले है तो आपकी रेट खारिज हो जाएगी या आप मलाफाइड रेट फाइल की हैं जिसमें कोई बोनाफाइड इंटेंशन नहीं है तो फिर भी खारिज हो जाएगी और अगर आप उसमें जाते हैं किसमें आप जाते हैं उसमें आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है लेकिन उसको ना अवेल करके सीधे आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चले जाते हैं तो वहां पे भी खारिज हो जाएगी तो खारिज भी हो जाएगी अगर ये सारे ग्राउंड होंगे तो ये भी हम लोगों ने देखा अच्छा इसमें आवेदन कौन कर सकता है लास्ट में आप देख लीजिए हु में अप्लाई फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेट मैंडमस कौन जा सकता है इसमें लास्ट पॉइंट है इसमें हु में अप्लाई लोकस स्टैंडाई इसको बोलते हैं हु मे अप्लाई फॉर दिस रेट कौन इसमें अप्लाई कर सकता है तो इसमें है कि जिस व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ है वह इस रिट को जारी करने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है इसके लिए आवश्यक है कि जिस व्यक्ति का या अधिकारी के विरुद्ध रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है उस पर आरोपित लोक कर्तव्य का पालन कराने का याचिका दाता को विधिक अधिकार प्राप्त हो तो आप ही जाएंगे जिसका राइट प्रभावित हुआ है उसके लोक ड्यूटी के नॉन परफॉर्मेंस से आपका राइट प्रभावित हुआ है तो आप ही इसमें लोक है या आप ही को दी गई है इसमें तीसरा बंदा नहीं जाएगा तो ये हम लोगों ने देखा परमादेश की रिट मैंडमस की रिट जो पब्लिक ऑफिसर को पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कमांड दिया जाता है कोर्ट से कि आपको इसको करना ही है या नहीं करना है कुछ कंडीशन है जिसमें इनकार भी कर दिया जाएगा कुछ शर्तें भी हैं जिनका पालन होना चाहिए तभी इशू होगी नहीं तो नहीं इशू होगी कौन अप्लाई करेगा और कौन नहीं अप्लाई करेगा ये भी हम लोगों ने देख लिया तो ये दूसरी रिट थी रिट ऑफ मैंडमस अब तीसरे पे आते हैं आउट ऑफ फाइव तीसरे पे हम आते हैं तीसरी रिट को आप देखें नेक्स्ट स्लाइड में थर्ड रिट है रिट ऑफ क्यू वारंटो अधिकार प्रेछा इसको बोलते हैं रिट ऑफ क्यो वारंटो रिट ऑफ क्यू वारंटो ध्यान दीजिए अधिकार प्रेछा के रेट ये क्या है रिट ऑफ क्यो वारंटो इसमें भी कई बातें हैं देखिए इसका अर्थ क्या है पहले इसका अर्थ क्या है इसमें शर्तें क्या हैं इसमें कौन याचिका प्रस्तुत कर सकता है ये कब इनकार की जा सकती है तो ये तीन चार भाग में हम लोग इसको देखेंगे तो इसका अर्थ क्या है ध्यान दीजिए वट इज मीनिंग ऑफ रेट ऑफ क्यू ऑरटो इसका मीनिंग है वट इज योर अथॉरिटी ध्यान दीजिए आपका क्या प्राधिकार है इसका मतलब यही है आप किस प्राधिकार से पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं इस चीज को हमको देखना है जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिस का होल्डर है और उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है और फिर भी वो किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है तो आप उसके खिलाफ रेट आपकी वारंटो जारी कर सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई संसद का सदस्य बन गया और उसकी उम्र अभी 20 साल ही है जबकि संविधान में व्यवस्था है कि जब तक आप 25 साल के नहीं होंगे तब तक आप लोकसभा जब तक 30 साल के नहीं होंगे तब तक राज्यसभा के मेंबर नहीं बनेंगे मान लीजिए संविधान में यह व्यवस्था है और आप 20 साल के ही हैं और लोकसभा के मेंबर बन गए तो आप इसमें रिट आप -A -A में जा सकते हैं आप उससे पूछेंगे कि आपके पास तो एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी है बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ हाउस तो कैसे आप बन गए मेंबर क्योंकि आप तो 25 20 साल के हैं जबकि मिनिमम 25 साल का आदमी बैठेगा तो रिट ऑफ क्यू वॉरंटो इसमें जाएगा माने जो मिनिमम योग्यता है अगर उसको बिना ग्रहण की ये आप किसी पद को होल्ड करते हैं तो रेट ऑफ क्यू वॉरंटो आपके खिलाफ जारी हो जाएगा ये सबके ऊपर लागू होता है जो भी पब्लिक ऑफिस का होल्डर है होल्डर आप पब्लिक ऑफिस जिसमें क्वालिफिकेशन फिक्स की गई है और वो बिना क्वालिफिकेशन रखे वो बन गया जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेसर बन गया पी ही नहीं है तो पी एच डी मिनिमम क्वालिफिकेशन है प्रोफेसर बनने के लिए अगर आप पी एच डी नहीं है तो आप प्रोफेसर कैसे बन गए तो इसमें क्वेश्चन हो जाएगा इसमें रिटाफ क्यो वारंटो इशू हो जाएगी इसी तरीके से और भी आप वकील बन गए आप एल एल बी पास ही नहीं है तो बिना एल एल बी पास किए आप वकील कैसे बन गए रिटर्फ ऑफ ओ वारंटो इश्यू हो जाएगा ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के बिना अगर वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है तो उसके खिलाफ रेट आपके वारंटो जारी हो जाएगी ये इसका अर्थ है कि व्हाट इज योर ये इसकी अब आगे इसके क्या, क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं जिनका पालन होना चाहिए इसको रिट इशू होने के लिए तो इसमें दो आवश्यक शर्तें हैं पहला इसमें है कि प्रश्नगत पद को लोक पद होना चाहिए ध्यान लोक पद पब्लिक ऑफिस पब्लिक ऑफिस होनी चाहिए ध्यान दीजिए अगर वो पब्लिक ऑफिस नहीं है प्राइवेट ऑफिस है तो इसमें रिट ऑफ क्यू आर टो नहीं होगी रिट ऑफ क्यू आरटो हमेशा का हमेशा लोक पद के लिए जारी की जाती है पब्लिक ऑफिस के लिए जारी की जा सकती है तो पब्लिक ऑफिस क्या है इसकी भी एक अलग बात है कि पब्लिक ऑफिस आप कैसे जानेंगे लेकिन यहां पे आप इस जंक्शन पर समझें कि ही शुड बी दी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस पॉइंट नंबर वन तो ये पॉलिसी अर्थ है दूसरी शर्त इसमें है सेकेंड शर्त इसमें है कि बिना विधिक प्राधिकार के पद धारण किया जाना चाहिए बिना प्राधिकार के बिना प्राधिकार के पद का ग्रहण करना उसके पास प्राधिकार नहीं है प्राधिकार का मतलब वो होल्ड भी करता है तो, तो पब्लिक ऑफिस को बिना प्राधिकार के होल्ड करता है सेटिस्फाई हो जाती है तो ऑपरेट आप आपकी वॉरंटो में जा सकते हैं तो ये दो इसकी आवश्यक शर्तें थी अब आगे बढ़े आप कौन याचिका प्रस्तुत कर सकता है इसमें कौन याचिका प्रस्तुत कर सकता है हु मे अप्लाई लोकस स्टैंड आई कौन जा सकता है इसमें तो सामान्य नियम यह है कि रिट के लिए याचिका वही व्यक्ति प्रस्तुत करेगा जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है अतः तो अधिकार परीक्षा रिट को जारी करने की याचिका दाखिल करने के लिए पीड़ित पक्षकार का होना हमेशा का हमेशा आवश्यक नहीं है क्योंकि ये जो रिट आप क्यों आरंटो है जनरली तो रिट में वही जाएगा जिसका राइट प्रभावित हुआ है में, में हम लोगों ने देखा था लेकिन रिट आप क्यों में कोई जरूरी नहीं है जैसे मान लीजिए कोई पार्लियामेंट का मेंबर बन गया और उस 20 साल का ही है उससे हमारा कोई प्रभावित नहीं मेरा कोई राइट नहीं प्रभावित हो रहा है कि बीस साल का आदमी बन गया बीस साल का बने चाहे पच्चीस साल का बने लेकिन मैं उसके लिए रीट में जा सकता हूँ ये अब नहीं कोई, कोई कहेगा कि भाई वो 20 साल का अभी बनाए तो आपको क्या प्रॉब्लम है ये कोई नहीं पूछेगा क्योंकि द यूजर पर इसलिए मैं उसको हटाना चाह रहा हूं तो ये कोई भी जा सकता है भारत का, कोई तो इसमें राइट प्रभावित होना जरूरी नहीं है ये अलग तरीके की रेट है जिसमें स्ट्रेंजर भी जा सकता है रेट में तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ क्यूरटो तो कौन जा सकता है कोई भी जा सकता है उसमें राइट का प्रभावित होना जरूरी नहीं है अब अगेंस्ट होम ध्यान दीजिए तीसरा या कब इनकार की जा सकती है इसको पहले आप देखें कब ये इनकार की जा सकती है कब कौन कौन कंडीशन है जब इस रिट को इनकार किया जा सकता है तो इसमें दो तीन कंडीशन है देखिए डिस्क्रिशनरी रेमेडी है यह डिस्क्रिशनरी रेमेडी है अतः न्यायालय इसे मामले और तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जारी कर सकता है यदि रिट का जारी किया जाना फलहीन है तो इनकार किया जा सकता है यदि रिट पूर्व न्याय से और प्रांग न्याय से बाधित है तो इसको इनकार किया जा सकता है अगर वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है तो इसको इनकार किया जा सकता है तो कई इसमें बातें हैं जैसे मान लीजिए ये मलाफाइड इंटेंशन में आप गए हैं या इसमें कोई आपका राइट प्रभावित नहीं हो रहा है इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाली है तो फिर भी नहीं होगा या आप बहुत विलंब कर दिए हैं या आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी उपलब्ध थी आपने उसको ध्यान में नहीं रखा और फिर भी जा रहे हैं तो इस मामले में खारिज कर दी जाएगी तो दो तीन इसमें कंडीशन है जिसमें खारिज भी करी जा सकती है तो ये था अधिकार परीक्षा जिसको बोलते हैं रिट ऑफ किन्टो अब आगे वाले स्लाइड पे चले नेक्स्ट जो रिट है हमारे पास वो है उत्प्रेषण की रिट जिसको हम बोलते हैं रिट ऑफ सरसी और ऑफ उत्प्रेषण की रेट अब दे ध्यान दीजिए सरसियो को हम जुडिसियल रेट बोलते हैं रेट ऑफ मैंडमस रेट ऑफ हैवियस ऑफ क्यू ये रेट नहीं है लेकिन रेट ऑफ एंड और रेट ऑफ प्रोहिबिशन ये दोनों जुडिसियल रेट हैं जो न्यायपालिका के खिलाफ इशू होती हैं और की जाती हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये रेट इशू कर सकती है ठीक है रेट ऑफ सरसियो सरसियो का मतलब होता है सर्टिफाई सर्टिफाइड डिसीजन आपने जो डिसीजन दिया है वो सही है इसको आपको सर्टिफाई करना है तो आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा बिंग दिस ऑर्डिनेट कोर्ट जैसे मान लीजिए कोई डिसीजन हमारे खिलाफ आ गया और इनके आशीष जी के फेवर में आ गया मैं उससे एग्रीव फील कर रहा हूँ कि भाई आशीष जी के फेवर में नहीं आना चाहिए था ये तो हमारे फेवर में आना चाहिए था तो मैं उस डिसीजन के खिलाफ रेट में चला जाऊँगा और मैं कहूँगा कि इसको सर्टिफाई करे कोर्ट जिसने पास किया है कि यह जो डिसीजन है एज पर लॉ है ये रीजन डिसीजन है ये एविडेंसेस पे दिया गया है ये विटनेसेस को एग्जामिन करके दिया गया है ये मेरिट के आधार पे दिया गया है इस आधार पे मैं जाकर को सर्टिफाई कराने की रेट जारी कराऊंगा तो इसको हम बोलते हैं रेट आप सर और आ अब इसमें कई बातें हैं देखिए क्या क्या बातें इसमें कौन आवेदन कर सकता है हु में अप्लाई लोकस स्टैंड कौन अप्लाई कर सकता है तो जनरली यही है कि जिसका राइट right प्रभावित हुआ है वही जाएगा लेकिन मान लीजिए उस आदेश से अगर जन सामान्य प्रभावित हो रहा है ऐसा आदेश है और जो रॉन्ग डिसीजन है तो इसमें कोई भी जा सकता है जो जन सामान्य उससे प्रभावित हो रहा है वो भी जा सकता है लेकिन जनरली वही जाएगा जिसका राइट right प्रभावित हुआ है तो हु में अप्लाई लोकस स्टैंड आई आगे आप देखें किसे जारी किया जा सकता है Whom? होम किसे जारी किया जाएगा किसको जारी किया जाएगा तो देखिए इसमें क्या है ये बिना अधिकारिता के कार्य किया है अर्थात ऐसी अधिकारिता मान लिया है जो विद्यमान नहीं है अधिकारिता के सीमा से पार जाकर के काम किया है या विधिक प्रक्रिया के उल्लंघन में काम किया है ध्यान दीजिए तो लायक ऑफ जोरिस्डिक्शन लयक ऑफ जोरिस्टिक्शन और नॉन एक्सरसाइज ऑफ जोरिस्डिक्सन नॉन एक्सरसाइज और एक है इीगैलिटी या मटेरियल इरेगुलरिटी ध्यान दीजिए मटेरियल इरेगुलरिटी ये सब आधार हैं कि इन सब आधारों पे ये जारी किया जाएगा तो किसको जारी किया जाएगा उस कोर्ट को जारी किया जाएगा जो ज्यूरिस्डिक्शन के लाइकनेस में काम करती है उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है फिर भी वो काम कर रही है या उसको जो रिस्ट्रिक्शन है लेकिन उसको एक्सरसाइज नहीं कर रही है या वो इलीगली काम कर रही है अविधिक रूप में काम कर रही है या मेटेरियल इेगुलरिटी में काम कर रही है जिसको हम बोलते हैं अनियमितता ध्यान दीजिए मेटेरियल इेगुलरिटी या अविधिकता इनलीगैलिटी अगर इसमें उसने काम किया तो ये कुछ कंडीशन है अगर ये सेटिस्फाई होगा तो सबॉर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ रिट इशू हो जाएगी रेट ऑफ सर आगे देखें इसमें क्या है अगली रिट तो ये उत्प्रेषण की रिट हो गई जिसमें किसके खिलाफ कौन जाएगा इसका अर्थ क्या है अब अगली रिट में आप जाइए रिट ऑफ प्रतिषेध प्रतिषेध को बोलते हैं हम ऑफ प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन मैंने आपको बताया रेट ऑफ प्रोहिबिशन और रेट ऑफ सरसि दोनों जुडिसियल रिट्स हैं दोनों जुडिशियल रिट्स हैं तो इन जुडिसियल रिट्स में जब आप जाएंगे तो ये प्रोहिबिशन की रिट है प्रोहिबिशन की रिट पहले जारी होती है सशियर बाद में सर डिसीजन के बाद और प्रोहिबिशन का डिसीजन जब पेंडिंग है तब दोनों में यही फर्क है तो मान लीजिए डिसीजन पेंडिंग है तब प्रोहिबिशन जारी होगा मान लीजिए कि मामला पेंडिंग है हमारे और आशीष जी के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है ये मामला हमारे अगेंस्ट डिसाइड हो जाएगा और इनके फेवर में डिसाइड हो जाएगा ऐसा मुझे महसूस हो रहा है तो मैं जाकर के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहूंगा कि इस मामले को यहीं पे रोक दिया जाए क्योंकि ये जो कोर्ट है बायस्ड है दूसरे पार्टी के फेवर में और ये क्या करेगी ये मामला उसके फेवर में डिसाइड कर देगी ऐसा मुझे महसूस हो रहा है तो वो हाई कोर्ट क्या करेगी इनको रोक देगी इनके प्रोहिबिट द प्रोसीडिंग लेट लेट इट बी स्टॉप और कोर्ट उसको मंगा लेगी फाइल को अपने जगह पे और कोर्ट उसको देखेगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसा भी मामला है देखेगी कि क्या यह सही में ऐसा बात है अगर ऐसी बात है दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करके मामले को चलाया जाएगा अगर ऐसी बात नहीं है मामले को वहीं चला दिया जाएगा लेकिन रेट ऑफ प्रोहिबिशन आप इस आधार पर जा सकते हैं तो ये इसका अर्थ और प्रकृति है आगे देखें आप इसमें भी वही सारे कंडीशन हैं जो कंडीशन हम लोगों ने देखा था रेट ऑफ सस्योरारी में कौन अप्लाई कर सकता है जनरली वही जिसका राइट प्रभावित हुआ है फिर किसके खिलाफ़ अप्लाई किया जा सकता है तो हम लोगों ने यही देखा अगर वह लैक ऑफ जुरिस्टिक्शन एक्सीडिंग ऑफ जुरिस्टिक्शन इन मटेरियल इरेगुलरिटी में काम किया है उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है तो ये सारी शर्तें जो रिट आप सरसुरारी के शर्तें हैं और सारी शर्तें यहाँ पे भी होंगी बस ये एक स्टेप पहले अभी मैटर पेंडिंग है सरसू में एक स्टेप आगे अ मैटर डिसाइडेड है यही दोनों में फ़र्क है तो ये पाँचों रिट के बारे में हम लोग ने देख लिया ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं जो उपलब्ध हैं अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए इसके अलावा जो रेमेडीज हैं रिट के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडी हैं वो तो कुछ और आर्टिकल की मैं जिक्र कर दूं आपसे वो कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 132, आर्टिकल 133 और आर्टिकल 134 और आर्टिकल 136 और लास्ट में आर्टिकल 142 ये सब भी कुछ आर्टिकल हैं जिसमें उपचार उपलब्ध हैं आर्टिकल 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में अपील आप कर सकते हैं अगर आपका राइट प्रभावित हो गया और आप अपने आप को एग्रीव फील कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील फाइल कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील का क्या कंडीशन है इसमें कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विच रिलेट्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात लिखा हुआ है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए विधि का सारवान प्रश्न इन्वॉल्व होना चाहिए और उस विधि के सारवान प्रश्न में किस चीज का मामला होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला होना चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है दूसरा एक सौ में आप देखेंगे सिविल मामले में आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाएंगे तो किस आधार पे जाएंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जनरल इंपॉर्टेंस ठीक है ना तो सामान्य महत्व का मामला है जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप इसको लेकर के चले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के खिलाफ एक सौ चौतीस में क्रिमिनल मामले में अपील है क्रिमिनल मामले में अपील दो तरीके की है विद सर्टिफिकेट विदाउट सर्टिफिकेट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविल मैटर की बात करेंगे तो हमेशा विद सर्टिफिकेट हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगी कि इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एक सौ बत्तीस में एक सौ तैतीस में हाईकोर्ट सर्टिफाई करेगी कि सब जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है एक सौ चौतीस जो है क्रिमिनल मामले की बात करती है ये कहती है दो बातें हैं क्रिमिनल मामले में भी हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए लेकिन दो ऐसे कंडीशन है जिसमें हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कब अगर आपका एक्विटल हो गया है और हाई कोर्ट ने उस एक्विटल को डेथ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है मान लीजिए सेशन कोर्ट में आपका एक्विटल हो गया था उसके खिलाफ अगर स्टेट अपील में जाता है और हाई कोर्ट उसको डेथ सेंटेंस में कन्वर्ट कर देती है और इससे आप एग्रीव होकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं तो आप विदाउट सर्टिफिकेट जा सकते हैं सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है या अगर हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से मामले को अपने पास मंगवा लिया है विड्रॉ कर लिया है, विड्रॉ करने के बाद उसमें क्या कर दिया, से कर दिया है उससे आप अपने करना, कर रहे हैं। तो उसमें अगर आपको अपील करना है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में बिना सर्टिफिकेट के जा सकते हैं तो दो ऐसे कंडीशन है जिसमें matters, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविल मैटर में हाईकोर्ट के सर्टिफिकेट से गए थे इसमें भी सर्टिफिकेट से जाएंगे केवल इन दो मामलों को छोड़ करके तो ये एक सौ बत्तीस स्पेशल पिटिशन की बात करता है एस विशेष इजाजत से अपील आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं किसी के भी खिलाफ हाई कोर्ट के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ ट्रिब्यूनल के खिलाफ सबसे लोअर जुडिशरी के खिलाफ किसी के खिलाफ जा सकते हैं तो इसको हम बोलते हैं एस और वन में सुप्रीम कोर्ट के पास इनरेंट पावर है जिसमें कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी आर्डर कर सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल तो इस तरीके से रेमेडी की जब हम बात करेंगे तो रिट तो एक रेमेडी है ही जिसमें 226 और 32 में आपको रेमेडी उपलब्ध है इसके अलावा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में भी बहुत ज्यादा रेमेडी उपलब्ध है तो ये सारे हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थे जो कि आपके अधिकारों के हनन के दशा में ये उपचार उपलब्ध है अब थोड़ा सा स्टेच्यूटरी रेमेडी की तरफ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे साधारण विधि द्वारा उपचार तो साधारण विधि द्वारा देखिए कुछ पॉइंट को हमने यहां पे लिया है घोषणात्मक डिक्री जिसको हम बोलते हैं, है हैं। इंजंक्शन और क्षतिपूर्ति तथा प्रतिकर क्षतिपूर्ति तथा प्रतिकर कंपनसेशन कंपनसेशन ध्यान दीजिए कंपनसेशन तो डिक्लेरेटरी डिक्री ये धारा चौतीस और पैंतीस है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ए 1963 act, 1963 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा चौंतीस और उसकी धारा पैंतीस डिक्लेरेटरी डिक्री की बात करती है घोषणात्मक डिक्री हमको अपने विधिक अधिकार को डिक्लेयर कराना है तो उस डिक्लेयर कराने के लिए हम सिविल कोर्ट में जा सकते हैं अंडर सेक्शन 34 फोर ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और हम अपने राइट की घोषणा करवा सकते हैं अगर कोर्ट को लगेगा तो हमारी राइट हमारे फेवर में डिक्लेयर कर देगी और डिक्लेयर कर देगी तो ये जितने लोग होंगे उसके खिलाफ पार्टी के पक्षकारों के खिलाफ बाध्यकारी होगा धारा पैंतीस में लिखा हुआ है तो डिक्लेटरी का है हमारे पास एक को हम बोलते हैं इंजंक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं परपेचुअल इंजंक्शन परपेचुअल इंजंक्शन क्या है फाइनल डिसीजन है परपेचुअल इंजंक्शन के लिए हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में व्यवस्था है धारा 36 से लेकर 42 तक पूरा एक ग्रुप है जो इंजंक्शन की बात करता है और इसमें धारा 36 बताती है कि इंजंक्शन आर आप टू टाइप्स एक है टेम्प्रेरी एक है परपेचुअल परपेचुअल के लिए बोलते हैं कि आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जा सकते हैं और टेम्प्रेरी के लिए आप अगर अब जाएंगे तो उसमें आपको आर्डर थर्टी नाइन में जाना पड़ेगा टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए आर्डर थर्टी नाइन सीपीसी तो आर्डर थर्टी नाइन सीपीसी में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि भाई किस आधार पे आप जा सकते हैं तो उसमें तीन प्रिंसिपल काम करते हैं एक प्रिंसिपल है प्राइमा फैसाई केस होना चाहिए दूसरा प्रिंसिपल है इरेपरेबल लॉस होना चाहिए और तीसरा प्रिंसिपल है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए अगर ये तीनों प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो जाएंगे तब आप टेम्प्रेरी इंजंक्शन जिसको आप स्टे आर्डर बोलते हैं कॉमन भाषा में तो आप स्टे ऑर्डर के लिए जा सकते हैं और कोर्ट स्टे ऑर्डर ग्रांट कर सकती है तो इसमें यह तीनों प्रिंसिपल है आर्डर थर्टी नाइन सी में अगर परपेचुअल इंजंक्शन की बात करेंगे तो ये धारा सैंतीस और सैंतीस में तो थोड़ा सा टेम्प्रेरी की बात है अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस ये पूरा परपेचुअल इंजंक्शन की बात है जिसमें कुछ मैंडेटरी इंजंक्शन है कुछ

इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप देख सकते हैं सिविल मामले में क्रिमिनल मामले में भी आप देखेंगे कंपनसेटरी जो की थोड़ी सी बात है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम अगर आप सीआरपीसी की धारा तीन संतावन ए में जाएंगे तो आपको विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की व्यवस्था क्रिमिनल लॉ में भी दिखेगी हालांकि क्रिमिनल लॉ का फीचर कम्पनसेटरी नहीं होता क्रिमिनल लॉ का फीचर पिनल होता है जिसमें इंप्रीजनमेंट और फाइन की व्यवस्था होती है लेकिन सीआरपीसी में ये एक अलग से सेक्शन है जो विक्टिमोलॉजी की बात करता है पीड़ित शास्त्र की बात करता है केवल अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र की बात नहीं करता तो पीड़ित शास्त्र में आप देखेंगे कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम इज बिन प्रोवाइडेड जिसमें विक्टिम को कंपनसेशन भी दिया जाएगा यह नहीं है कि केवल एक्यूज जेल में डाला जाएगा और उसमें फाइन इंपोज करी जाएगी तो क्रिमिनल

लिक्विडेटेड डैमेजेज और जहां पे फिक्स नहीं है उसको हम बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेज तो लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेज तो डैमेजेज भी तीन तरीके के होते हैं लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड और कुछ विक्टिम को कंपनसेशन क्रिमिनल मामले में तो ये सारे कंपनसेशन की व्यवस्था है हमारे पास तो इसको आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में टार्ट में सीआरपीसी -सी में और, और जगह तो इस तरीके से हम लोग ने देखा साधारण विधि के द्वारा क्या क्या उपचार उपलब्ध है तो घोषणात्मक डिक्री में डिक्लेटरी डिक्री में, में है इसके बाद इंजंक्शन में है और इसके बाद कंपनसेशन में है तीन तरीके से आपको ऑर्डिनरी कोर्ट में भी उपचार उपलब्ध है तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या देखा इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा ये सारी बातें मैं थोड़ा सा समप कर दूं आपको हम लोगों ने देखा कि न्यायिक तथा तो अन्य उपचार उपलब्ध है आपके राइट के वायलेशन के लिए कौन कौन न्यायिक और अन्य उपचार कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने देखा फंडामेंटल राइट right को इंप्लीमेंट करने के लिए 32 सुप्रीम कोर्ट 226 ट्वेंटी हाई कोर्ट और इसमें हम लोगों ने तमाम ग्राउंड देखा कि कब कब हो जाएगा कब कब नहीं होगा किसका दायरा कम है किसका दायरा ज्यादा है और इसमें पांचों रिट के मामले में हम लोगों ने देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है किसके लिए होगी इन डिटेंशन में होगी परमादेश की रिट किसके लिए होगी जो कमांड करने के लिए टू होल्ड टू डू द सर्टन पब्लिक ड्यूटी और क्यू आरटो की रिट किसके लिए होगी यूजर पर आप पब्लिक ऑफिस के लिए होगी जो क्वालिफाइड नहीं है और प्रोहिबिशन और सरसी और आई दोनों जुडिशियल रिट्स हैं जो केवल केवल जुडिशियरी के खिलाफ इशू की जाएगी और ये प्रोहिबिशन है और सरसियोरारी है पहले बीच में अगर पेंडिंग है तो प्रोहिबिट कर दिया जाएगा और बाद में है तो उसको सर्टिफाई करा दिया जाएगा अगर डिसीजन दे दिया गया है तब तो ये पांचों रेट है इन पांचों रेट के अलावा हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और भी रेमेडीज हैं जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं आर्टिकल 132 कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील 133 सिविल मैटर में अपील 134 क्रिमिनल मैटर में अपील 136, अपील 136 स्पेशल लीव और वन थर्टी फोर क्रमिनल कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारे राइट right के वायलेशन के लिए उपलब्ध थे अब स्टेच्यूट में जाएंगे तो स्टेच्यूटरी रेमेडी बहुत है हमारे पास जिसमें डिक्लेरेटरी डिक्री है धारा चौंतीस और पैंतीस है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जिसमें डिक्लेरेटरी डिक्री आप अपने विधिक अधिकारों के संरक्षण और प्रोटेक्शन के लिए सिविल कोर्ट से करवा सकते हैं इसके बाद आपके पास व्यादेश है जिसमें या तो परपेचुअल होगा या टेम्परेरी होगा आर्डर थर्टी नाइन सी पी सी टेम्परेरी की बात करता है और धारा अड़तीस से लेकर बयालीस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट परपेचुअल इंजंक्शन की बात करता है जिसमें मैंडेटरी भी होता है निगेटिव भी होता है तो ये सब जारी किया जा सकता है और लास्टली कंपनसेशन की व्यवस्था है जो लिक्विडेटेड होगा अनलिक्विडेटेड होगा कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडेटेड की बात करता है टार्ट अनलिक्विडेटेड डेमेजेज की बात करता है और कॉन्ट्रैक्ट में धारा तिहत्तर से पचहत्तर तक है और इसमें अगर सीआरपीसी में आप देखें देखेंगे तो क्रिमिनल मामले में थोड़ा सा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की बात है जो धारा 357 ए में लिखा गया है तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रावधान प्रोसीजरल प्रावधान हम लोगों ने इस मामले में देखा अब लास्ट में आप देखेंगे तो मुझे समझ में आया कि ये जितनी भी बातें थी इस बातों को करके मैं आपको इसको रेमेडीज को समझाने में सफल हुआ हूं और मैं आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके अधिकार का वायलेशन हो जाता है तो इसमें क्या क्या उपचार उपलब्ध है ऐसा आपको समझ में आया होगा तो इस नोट और इस वाणी के साथ मैं यहीं पे रोकता हूँ अपने आप को और आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ धन्यवाद सभी लोगों को नमस्कार धन्यवाद थैंक यू वेरी मच फॉर पैसेंट थैंक यू सो मच Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of? Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.